बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स रोज़ाना में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब्स के हवाले से जो भी कोई नई मालूमात आती हैं वो मालूमात मैं डेली आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर करता हूँ और मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस वीडियो में जॉब के हवाले से एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है पोलियो इरिडिकेशन प्रोग्राम्स में, जो नौकरियों का ऐलान किया जा चुका है। गवर्नमेंट की जानिब से पोलियो वर्कर्स की नौकरियों का ऐलान किया जा चुका है, जिसके लिए इंटरमीडिएट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब नौकरियों की तफसीली मालूमात क्या है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं दरख्वास्त देने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ वीडियो में क्लियर करूंगा और अप्लाई करने की तफसील से भी आप लोगों को आगाह करूँगा। तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप लोग भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें और एक अच्छा रोज़गार कमा सकें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जॉब से रिलेटेड हर तरह की वीडियोज़ आप डेली देखना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जॉब से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएं और आप आसानी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो अब चलते हैं जॉब से मुतालिक तफसीली मालूमात लेने के लिए और अप्लाई करने का तरीका जानते हैं कि पोलियो में जो नौकरियों का ऐलान किया जा चुका है उसकी क्या मालूमात हैं, दरख्वास्त देने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, अपने ब्राउज़र के सर्च बार में जाएं और एज़ यूजल आप लोगों ने हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है जॉब रोज़ाना, तो जैसे ही आप जॉब रोज़ाना लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे गूगल में, जॉब रोज़ाना आ जाएगा। जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी और इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं पोलियो इरिडिकेशन प्रोग्राम जॉब 2023, लेटेस्ट पोलियो वर्कर जॉब 2023 अप्लाई फ्री। तो आप लोगों ने जॉब के इस टाइटल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब के इस टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस जॉब से रिलेटेड जो भी तफसीली मालूमात होंगी, इन तमाम मालूमात की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी कि पोलियो में कौन कौन सी नौकरियां हैं और कौन कौन से लोग दरख्वास्त देने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, डेली मशरिक न्यूज़पेपर में नौकरियों का ऐलान किया गया, 30 मई को ही नौकरियों का ऐलान किया गया। 4 जून तक आप लोग जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। कौन कौन सी नौकरियाँ हैं वो यहाँ पर डिटेल्स मौजूद हैं, कौन कौन से इलाके की हैं वो भी यहाँ पर डिटेल्स मौजूद हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जस्ट आप लोगों ने दी हुई इंस्ट्रक्शन को तफसील के साथ रीड कर लेना है। उसके बाद जॉब की अनाउंसमेंट डेट दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जो कि आपके सामने है, 31 मई 2023 अप्लाई करने की लास्ट डेट, 4/6/2023 मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट से लेकर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं और ये फुल टाइम की पोस्ट हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने नौकरियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और उससे पहले आप लोग एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में तमाम शहरों की लिस्ट भी है कि आपके शहर में कितनी कितनी नौकरियां हैं, ये भी सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहां से देख सकते हैं कि आपके शहर में कितनी नौकरियां मौजूद हैं। यहां से आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। और उसके बाद आप लोगों ने, अगर आपके शहर में नौकरी मौजूद हुई और उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करने का आप लोगों इंटरेस्टेड हुए, तो आप लोग जो है अप्लाई ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा, पीपल रिक्यूरमेंट प्री टेस्ट इंटरव्यू फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग आएंगे और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई करना है, प्रोजेक्ट्स लगाना है, यहाँ पर किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से जो है इसको वो सिलेक्ट कर लेंगे, ईमेल के ऊपर आएगा, यहाँ से इसके नाम लिखेंगे और उसके बाद आप लोग जो है इस फॉर्म को फिल करते जाएंगे। और जैसे इस फॉर्म को फिल करते करते आप लोग एंड तक जाएंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इसी फॉर्म के ऊपर रहते हुए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने काफ़ी सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई हो सके और आप लोग घर बैठकर अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा तरीका मोबाइल के थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड अपना ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है या क्या है, तो परमानेंट एड्रेस आप लोग ऐड कीजिएगा, प्रेजेंट एड्रेस कहाँ रह रहे हैं, ईमेल ऐड कीजिएगा और उसके बाद हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपने पोलियो प्रोग्राम में अगर काम किया तो कितना आपका एक्सपीरियंस है, अगर नहीं था तो कोई नो लिख दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। और उसके बाद आप लोगों ने और इदारों में काम किया, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। मार्क यूअर एक्सेल प्रोफिशिएंसी, आपकी क्या प्रोफिशिएंसी है भाई, इंटरमीडिएट है, आप कोई भी काम करने में बिगनर हैं, इंटरमीडिएट एक्सपर्ट हैं, नॉन एक्सपीरियंस एट ऑल है, तो कुछ भी आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा अपने हिसाब से जो आप लोगों को बेहतर लगे। और उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि जी आपको एक्सेल जो है वो कितना आता है, पावर पॉइंट कितना आता है और एमएस वर्ड आपको कितना आता है, ये एमएस ऑफिस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और वो पूछ रहा है कि जी आप लोगों को इंग्लिश में आप लोग क्या क्या हैं लिखने में, रीडिंग आप पढ़ सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें हैं। ज़रा थोड़ा सा लेंथी फॉर्म हो सकता है, उसके बाद आप लोग अपनी सीवी को यहाँ पर ऐड करेंगे और उसके बाद आप लोगों का
अप्लाई हो जाएगा और आप लोग अपने फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी तफसील के साथ मैंने वीडियो में आप लोगों के लिए सारी बातें शेयर की हैं, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।